गृह मंत्री अमित शाह ने देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। आतंकवाद पर कड़े प्रहार और बाहरी खतरों से देश को सुरक्षित करने के बाद अमित शाह ने देश के अंदर बैठे नक्सलियों से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सोमवार को बैठक की थी। अब एक नए बयान में उन्होंने पुलिस रिफॉर्म के संकेत दिए हैं। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 49वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पुलिस रिफॉर्म लंबी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। चुनौतियां जैसे बदलेंगी उसी के अनुसार आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन पुलिसिंग में रिफॉर्म एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसलिए बीपीआरडी को इन सुधारों की रूपरेखा नए सिरे से तैयार करनी होगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने सीआरपीसी और आईपीसी में संशोधन के संकेत भी दिए हैं तथा नेशनल मॉडल ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना पर विचार करने की बात भी कही है। बुधवार को अमित शाह ने घोषणा करते हुए कहा कि पुलिस विश्वविद्यालय और फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी। हर राज्य में इससे जुड़े कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से पुलिस को हमेशा चार कदम आगे रहना चाहिए। इसके लिए आपराधिक मानसिकता और अपराध के तरीकों का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसके लिए नेशनल मॉडल ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। ये तभी संभव हो सकता है जब आधुनिकीकरण सही प्रकार से हो। अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं है, पुलिस को वैज्ञानिक तरीके से जांच करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपराधिक मानसिकता और अपराध के तरीकों के अध्ययन करने के लिए नेशनल मॉडल ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना पर विचार करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर जरूरी बदलाव के लिए देश भर में एक परामर्श प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत है। सीआरपीसी और आईपीसी में जरूरी बदलावों के लिए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। साथ ही अमित शाह ने प्रधानमंत्री द्वारा देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने के महत्व पर भी जोर दिया। समारोह के दौरान अमित शाह ने कहा, मोदी जी देश को $5,00,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं और देश को दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल कराना चाहते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा के बिना आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। सभी राज्यों में कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने की जरूरत है। बता दें कि अमित शाह का पुलिस रिफॉर्म से जुड़ा यह पहला बयान है और उनके पिछले रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि इन सुधारों को जल्दी लागू किया जाएगा। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं और वहां भी उन्होंने पुलिसिंग में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर बदलाव किया था। उनके नेतृत्व में गुजरात पुलिस द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक तरीकों को नीति आयोग ने भी एक मॉडल माना था। गौरतलब है कि अहमदाबाद में राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। इसके अलावा अहमदाबाद, जूनागढ़, राजकोट, सूरत एवं वडोदरा में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं और वलसार में एक जिला प्रयोगशाला भी है। इसके अलावा 47 मोबाइल प्रयोगशालाएं पूरे राज्य को कवर करती हैं। इसके अलावा गुजरात फॉरेंसिक साइंसेज विश्वविद्यालय और गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान निदेशालय भी इसमें मदद करता है। अमित शाह ने कश्मीर में सुधार लाने के बाद अब अपना ध्यान भारत के आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित किया है।